आइए आइए। Happy birthday दीदी। Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you बच्चों। Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. चलो 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 दीदी के साथ गेम खेलो। चलो चलो। डराना नहीं चाहती थी। तुम हमारे साथ नहीं खेलोगी? तो तुम गेस्ट हो, तुम्हारा नाम हैप्पी बर्थडे। नहीं, मेरा नाम दीप्ति है। आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे यानी जन्मदिन। तुम्हारा जन्मदिन कब है? मुझे नहीं पता। ये बड़े बड़े हम जैसे अनाथ को नहीं होता है। हमारे मां बाप नहीं है ना। तुमने कभी जन्मदिन नहीं मनाया? Wow, that's so sad. ये सार क्या है? चलो सबके साथ गेम्स खेलते हैं। अच्छा नाम है अंकिता। तुम कितने साल की हो? आंटी ने कहा मैं 7 साल की हूँ। चलो चलते हैं। तुम कितनी सुंदर हो बेटा। बाय बेटा।
Deepti has not been herself since yesterday. Uska mood off hai. I tried talking to her after the party, magar wo khamosh hai. Aap baat karo na. Okay. ये लो पापा और मेरे तरफ से थैंक्स मॉम थैंक्स पापा यू वेलकम बेटा क्या हुआ गिफ्ट्स ओपन नहीं करोगी नो पापा नॉट इन द मूड राइट नाउ बट व्हाई इज एवरीथिंग ऑल राइट बेटा ये अंकिता है शी नेवर सेलिब्रेटेड हर बर्थडे आई नो दिस इज सैड बेटा इन अनाथ बच्चों को बर्थडे डेट पता नहीं होता है क्योंकि कई बार पैदा होते ही इन्हें छोड़ दिया जाता है पर क्यों क्या उनके मम्मी पापा उन्हें प्यार नहीं करते हैं पता नहीं मेबी दे डू और डोंट कई कारण हो सकते हैं बेटा कारण कुछ भी हो पापा पर बच्चे को कोई कैसे छोड़ के जा सकता है वुड यू लीव मी पापा दीप्ति हम क्यों तुम्हें छोड़ेंगे तुम हमारा बेटे हो एंड दे लव यू अ लॉट हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं बेटा और हमेशा रहेंगे तुम इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रही हो बी थैंकफुल दैट यू हैव अ फैमिली अंकिता का घर वो अनाथ आश्रम ही है इट इज बेटर फॉर हर टू बी देयर रादर देन लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स जब तक वो बड़ी हो जाए शी विल बी सेफ देयर बट एन ऑर्फनेज रहने की जगह है पर फैमिली नहीं है ना शी हैज नो मम्मी एंड पापा देयर इज नो वन टू सेलिब्रेट हर बर्थ मॉम डैड आप प्लीज अंकिता को अपनाओ कांट वी बिकम हर फैमिली आई कैन बी हर सिस्टर और आप उसके पेरेंट्स वी आर सो प्राउड ऑफ यू दीप्ति ये बहुत अच्छी सोच है पर ये इतना इजी नहीं है बेटा पर आप दोनों इसके बारे में सोचना ओके हर बच्चे को एक परिवार चाहिए क्या आप वो परिवार बनना चाहेंगे हर बच्चे को एक परिवार चाहिए क्या आप वो परिवार बनना चाहेंगे अपने कदम बढ़ाओ आओ अपनाओ अपने बदमाश कोई शरारती कोई मासूम कोई चुपचाप कोई बदमाश कोई शरारती कोई पर है तो वो बच्चे है दिल के वो सच्चे पर है तो वो बच्चे है दिल के वो सच्चे चाय लीजिए थैंक यू यू वेलकम आई एम सो हैप्पी आप एक जरूरतमंद बच्चे का परिवार बनना चाहते हो ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली वी आर सो प्राउड ऑफ दीप्ति फॉर चैलेंजिंग आवर थॉट्स हम भी अब बस एक्सप्लोर कर रहे हैं और ऐसे बच्चों की सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे हैं आप तो स्पेशलिस्ट हो इसलिए हम आपकी सलाह मांग रहे हैं थैंक यू वैसे तो बहुत कम लोग अनाथ बच्चों के बारे में सोचते हैं वी आर समटाइम्स मोर सेंसिटिव एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द नेचर टुवर्ड्स ट्रीज एंड बर्ड्स वी डोंट थिंक अबाउट दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड हर बच्चा भगवान की देन है और इनकी परवरिश करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पता नहीं हमारे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इस बच्चे को अपनाएंगे कि नहीं यू नो किसी और का बच्चा है अननोन बैकग्राउंड लीनिएज जेनेटिक्स और हमारी परंपरा मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे शायद आपका डर कम हो जाएगा यू नो माँ बाप बच्चों का खाने पीने का ध्यान ही नहीं बल्कि उनके ब्रेन डेवलप में भी बहुत मदद करते हैं फर्स्ट क्राई से फर्स्ट टच तक उनकी इमोशंस एंड पर्सनैलिटी का गठन होता है
बच्चों को अगर वो अटेंशन, अफेक्शन एंड स्टिमुलेशन नहीं मिला, जो बहुत जरूरी है, तो उनमें मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट चिल्ड्रन हु हैव नो फैमिली. ना कोई इनसे बात करता है, हग करते हैं, ना कोई उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. इसलिए पेरेंटल बॉन्डिंग इज क्रूशियल ताकि ये बच्चे रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बने. हाँ, पर क्या मैं इस बच्चे को दीप्ति के बराबर प्यार दे पाऊंगी? What if I can't love her? You will, dear. You're a wonderful mom. No doubt about it. It's okay to be nervous, Amita ji. Remember, बच्चे के आना सिर्फ एक पार्ट है. आप भी उसके लाइफ में आ रहे हो. वो भी नर्वस होगी. उसे आपके घर में एडजस्ट करना होगा. आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स, फूड हैबिट्स, रिलेटिव्स एंड एवरीथिंग. इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और आप सभी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे. परमेश्वर पे भरोसा रखिए, ही विल टीच यू हाउ टू लव. यू आर राइट श्रेया जी. लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना हमें बंद करना होगा. वी नीड टू चेंज द वे वी सी एंड रिस्पॉन्ड टू एन ऑर्फन चाइल्ड. यस, एक्चुअली इट इज अ बिग चेंज, पर अगर हम कोशिश करेंगे तो हम जरूर कर पाएंगे. एंड इट इज अ प्रिविलेज फॉर अस टू गिव समवन अ बेटर फ्यूचर. आप किसी भी बच्चे को या लीगली अडॉप्ट कर सकते हो या उनके फॉस्टर पेरेंट्स बन सकते हो. जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका घर और फैमिली वैसे ही रहेगा आपके साथ. अ प्लेस टू गो, अ प्लेस टू बिलोंग, अ प्लेस टू आस्क फॉर गुड काउंसिल, अ प्लेस वेयर दे कैन जस्ट बी देमसेल्व्स. उनके हर खुशी और दुख का आप हिस्सा बनोगे और एक दिन ग्रैंड पेरेंट्स भी. हमें बस अपनी सोच बदलनी चाहिए. श्रेया जी, क्या हम अंकिता को अडॉप्ट कर सकते हैं? ज्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज आपको तीन ऑप्शंस देते हैं. अगर अंकिता गवर्नमेंट यानी कारा के अडॉप्शन लिस्ट पे हो, इफ नो वन अडॉप्ट्स हर, देन शी विल शो अप फॉर यू. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. या, ऑल द बेस्ट. अपने कदम बढ़ाओ, आओ अपनाओ. 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 हर बच्चे को एक परिवार चाहिए. क्या आप वो परिवार बनना चाहेंगे? हर बच्चे को एक परिवार चाहिए. क्या आप वो परिवार बनना चाहेंगे? अपने कदम बढ़ाओ, आओ अपनाओ. अपने कदम बढ़ाओ, आओ अपनाओ. अपने कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, आओ अपनाओ. मासूम कोई, चुपचाप कोई, बदमाश कोई, शरारती कोई. मासूम कोई, चुपचाप कोई, बदमाश कोई, शरारती कोई. पर है तो वो बच्चे है दिल के वो सच्चे. पर है तो वो बच्चे
है दिल के वो सच्चे अपने कदम बढ़ाओ।